सरस्वती क्लासेस बनावली में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज 1.5 पे विचार करेंगे विद्यार्थियों, जिसके अंदर क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज ए रेशनल और इरेशनल। तो रेशनल नंबर वो होते हैं विद्यार्थियों, यदि रूट के अंदर दिया हो तो उसका कंप्लीट रूट निकल जाए तो वो आपके रेशनल होते हैं, या जिसका डेसिमल है वो टर्मिनेट हो जाए, रिपीटेशन हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेशन होता है वो इरेशनल नंबर होता है, या वो नंबर जिनका कंप्लीटिंग रूट ना निकले। तो जैसे देखिए पहला सम है 2-√5, ये आपका इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर में कुछ भी जोड़ दो, कुछ भी ऐड कर दो, घटा दो, गुणा कर दो, भाग कर दो, वो इरेशनल ही होता है। तो इरेशनल माइनस इरेशनल यानी ये आपका इरेशनल नंबर होगा। अब इसके अंदर यदि इसको सॉल्व करते हैं 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा 3, तो ये आपका रेशनल नंबर है। इसके अंदर भी विद्यार्थियों 7 से 7 कट जाता है, ये आपका 2/7 होगा, ये भी आपका रेशनल नंबर होगा। 1/√2 इरेशनल नंबर है आपका। पाई भी विद्यार्थियों इरेशनल होता है, तो 2 × π है, ये भी आपका इरेशनल नंबर होगा। अब प्रश्न संख्या 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इनको हमें सिंप्लीफाई करना है तो हम कैसे करेंगे, देखिए जैसे दूसरे का पहला पार्ट दिया हुआ है 3+√3 और 2+√2। तो पहले 3 से इस पूरे को गुणा करिए, 3 × 6, जब दोनों के ऊपर रूट लगाओ तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है, नहीं एक नंबर बाहर आ जाता है बिना रूट वाला। इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये आएगा 3√2, इनकी गुणा की 2√3, और जब इनकी गुणा करेंगे तो 3 × 6√ आ जाएगा, ये इसका विद्यार्थियों आंसर होगा। इसको और सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते। पार्ट संख्या 2, 3+√3, 3-√3। यदि आपको आइडेंटिटी याद हो, जब दो नंबर दिया हो एक बार प्लस और एक बार माइनस हो तो हम ये लिखते थे a² - b², तो यहाँ से 3 का स्क्वेयर माइनस में √3 का स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर 9 आएगा, रूट से कैंसिल हो जाएगा इसका निशान, तो ये आ जाएगा 3 और यहाँ आंसर होगा 6। इसके बाद पार्ट संख्या 3, 3 में दिया है √5+√2² तो यहाँ पे आपको याद ही होगा a+b² आइडेंटिटी होती थी, a² + b² + 2ab, सेम वे हम यहाँ करेंगे, √5² + √2² + 2 × √5 × √2, तो यहाँ से ये कैंसिल होगा 5 और यहाँ से फिर कैंसिल होगा 2 और ये आ जाएगा आपका 2√10, 5 और 2 आ जाएगा 7+√10, ये आपका आंसर होगा। इसके बाद पार्ट संख्या 4 में दिया हुआ है √5−√2 और √5+√2, सेम वही आइडेंटिटी, a² - b² √5² - √2² स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा 5, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा 2, ये आपका 3 आंसर होगा। इसके बाद ये कहता है विद्यार्थियों, रिकॉल पाई डिफाइन एज दी रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड इट्स डायमीटर। यानी पाई होता है वो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और डायमीटर का रेशियो होता है। दिस सीम टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। बी ए, किस तरह से पाई इरेशनल नंबर है, हाउ विल यू रिसोल्व दिस कंट्राडिक्शन, इस कंट्राडिक्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये आप विद्यार्थियों आप खुद करिएगा, कोई भी एक सर्कल ले लीजिए, इसकी सर्कमफ्रेंस को मापिए, जो भी आएगी वो यहाँ लिख दोगे आप, फिर इसका डायमीटर आपने सर्कल ड्रा किया होगा तो इसके सेंटर से पास होगी, ये डायमीटर होगा, ये भी आप हम आपके लिख दोगे जो भी होगा, और पाई का मान निकालिए c/d, तो आप क्या पाओगे 3.14, तो हर बार सेम आएगा, इसके बाद हर बार अलग आएगा, ना तो वो टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट होगा, इसलिए हम इसको इरेशनल नंबर लेते हैं, जो आप खुद सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 4, 4 के अंदर क्या दिया है विद्यार्थियों, 9.3 रूट को नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, तो हम कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले ए से बी तक 9.3 यूनिट ले लेंगे और इससे 1 यूनिट दूरी आगे लेंगे आप, जो सी होगा यानी 1 यूनिट। अब ए और सी का
कॉम्पास की सहायता से मोर देन हाफ खोल के ऊपर और नीचे आर्क लगाया, फिर यहाँ से ये इसका मिड पॉइंट होगा ओ ए सी का। ओ को सेंटर लेके इतना रेडियस लेके सेमी सर्कल ड्रा करेंगे, फिर बी पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जो इस आर्क को पॉइंट डी पे काटेगा, और जो बी डी डिस्टेंस है वो आपकी रूट 9.3 होगी। इतना प्रकार खोल के इसे जीरो मान के ये वन दिया हुआ है, आप ये डैश 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 लगाएंगे तो नंबर लाइन पे ई पॉइंट होगा जो आपके रूट 9.3 को शो करेगा। और जो काम हमने किया है वो इसके अंदर लिख के बताया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा ए लाइन इतने यूनिट, नाउ फ्रॉम ए पॉइंट बी, यहाँ बी लिया, मार्क के डिस्टेंस ऑफ वन यूनिट, इससे एक यूनिट आगे डिस्टेंस ली जो पॉइंट सी है, टेक ओ इज ए मिड पॉइंट, ओ है वो इसका मिड पॉइंट है, और ये सब हमने बताया है। इसके बाद ये 9.3 है और इसके अंदर हमने बताया ये नंबर लाइन पे कैसे शो किया है। बी यहाँ पे बी सी है, बी को हमने जीरो मान लिया, ये वन दिया हुआ है और इससे आगे 1, 2, 1 शो हो जाएगा। जब नंबर लाइन यहाँ से शुरू होगी तो ये पॉइंट आपका इसको शो करेगा। ये सारा आप अच्छे से रीड कर लेंगे और देख लेंगे। इसके बाद विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 5 में कहता है कि रेशनल नंबर है इनका हमें रेशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज डिनोमिनेटर। तो क्या करेंगे, पार्ट है इसके चार, मैं सिर्फ दो ही पार्ट कराऊंगा, दो खुद करोगे। पहला पार्ट जैसे 1/√7, जब एक ही नंबर दिया हो विद्यार्थी और उसके ऊपर रूट लगाओ तो हम उसी से ऊपर नीचे गुणा करते हैं चाहे वो कुछ भी हो, तो यहाँ √7 आ जाएगा, और नीचे जब दो नंबर सेम आ रहे तो रूट हट जाएगा साथ, ये इसका रेशनलाइजेशन होगा। और दो नंबर दिए हो तो हम क्या करेंगे, जैसे ये दे दिया √7 माइनस का √6, तो नंबर तो वही दो लेते हैं उन्हीं से ही हम ऊपर नीचे गुणा करते हैं, लेकिन साइन इसका अपोजिट लेंगे, यहाँ माइनस है तो हम प्लस ले लेंगे, √7 + √6 ऊपर तो ये एज इट इज आ जाएगा √7 + √6, नीचे हमेशा ही ये आइडेंटिटी बनेगी a - b a + b यानी a² - b² तो यहाँ पे √7 का² - √6 का² यहाँ कैंसिल हो जाएगा ये, तो √7 + √6 / √7 - 6 तो √7 + √6 आपका आंसर होगा। यहाँ वन आएगा, वन लिखो या ना लिखो। तो इसी तरह से विद्यार्थियों ये दोनों पार्ट आप खुद ट्राई करोगे, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट होती है। धन्यवाद।